नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छुट्टी लगती है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छुट्टी लगती है। जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से टारगेट इलेक्ट्रीसियन NSQF में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको सेफ्टी साइन बताया था, आज मैं आपको आग पढ़ाऊंगा। दोस्तों, जो हमारा सेशन चल रहा है, ये ITI इलेक्ट्रीशियन के थ्योरी चैप्टर को मैं कवर कर रहा हूँ। इसमें मैं हर एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। मेरा बस यही टारगेट है कि आप लोगों को एक परफेक्ट जो है सिलेबस कंप्लीट हो वीडियो के फॉर्म में, ताकि आपको कभी भी रिवीजन करते समय या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हम, तो आपको कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, इसीलिए मैं सारे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, बहुत बारीकी से कवर कर रहा हूँ। आप बस हमारे साथ बने रहिए, मैं बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। चलिए दोस्तों, आग, फायर, आप तो जानते ही हैं, जैसे हमारे जीवन में पानी का महत्व है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में आग का भी अत्यंत महत्व है। दोस्तों, आग का जो इन्वेंशन है, करीबन 10 लाख साल पुराने हमारे जो होमोसेफियंस थे उन्होंने करी थी। आग हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। जैसे फैन चल रहा है, आग है। कैसे फैन चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है? हमारे जो थर्मल पावर प्लांट में जनरेट होती है। थर्मल पावर प्लांट कैसे चलता है? कोयला, आग से। दोस्तों, हम खाना कैसे खाते हैं? क्योंकि खाना को पकाया जाता है आग पे, विद हेल्प ऑफ गैसेस, LPG के थ्रू। दोस्तों, इसी तरह आप देखेंगे, या तो रॉकेट, रॉकेट जो लॉन्च होता है, इसरो लॉन्च करता है, कैसे उसमें भी आग का प्रयोग होता है। आग के बिना जीवन ही नहीं है दोस्तों, जिस प्रकार पानी के बिना जीवन नहीं है। आग हमें गर्मी से राहत देती है, आग हमारे जीवन का एक अनमोल अंग है। लेकिन दोस्तों, जिस चीज़ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके कुछ कॉजेस होते हैं, अगर आप उन्हें आप नियंत्रित वे में नहीं यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि किस कंडीशन में आग, जो हमारे जीवन के लिए लाभप्रद है, हमारे जीवन का एक अमूल्य अंग है, इसके बिना जीवन हमारा है ही नहीं, वो कैसे हमारे लिए खतरनाक हो सकता है अगर हम सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। ज्वलनशील पदार्थ के जलने को आग कहते हैं। कोई अगर ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे तेल हो गया, कोयला हो गया, इनको जलने को इनके जलने को आग कहते हैं। न चाहे गए स्थान पर जहाँ आप नहीं चाह रहे हैं, न चाहे गए मौक़ों पर, ऐसी ऐसा जो होता है ओकेशन जहाँ पर हम नहीं चाहते, तथा अनियंत्रित मात्रा में आग के कारण संपत्ति को क्षति या नष्ट कर सकती है, या व्यक्ति को हानि पहुंचा सकती है। कुल मिला के दोस्तों, बिन बुलाए मेहमान, अगर हम जहाँ पे नहीं चाहते कि हमारी आग हो, वहाँ पे हमारे जो विल पावर के अगेंस्ट वहाँ पे अगर आग होती है, तो उसे हम आग जो हानिकारक होती है, उसे हानिकारक श्रेणी में हम रखते हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे कई कई बार किसी पावर किसी शोरूम में आग लग गई, कहीं पे भी आप देखते हैं, बहुत सारा ऑयल प्लांट है, वहाँ पे भी आग लग जाती है, अनियंत्रित बहुत ज़्यादा होती है। आइए हम देखते हैं कि फिर अगर आग लगती है तो क्या क्या कंडीशंस होते हैं, किन किन पहलुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जब आग लग गई तो आग को बुझाना, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। मैं इसलिए टर्म्स जो इंग्लिश के यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं, तो उस कंडीशन में साफ साफ लिखा रहता है कि इंग्लिश को वरीयता दी जाएगी। कहीं पे आप फंसते हैं तो वहाँ पे आपको इंग्लिश ही काम आ जाएगी, डबल मेहनत करनी पड़ती है टाइपिंग के समय दोस्तों। लेकिन तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा जो कंटेंट आपके लिए संपूर्ण हो, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम है, उन चीज़ों को मैं लेके आता हूँ। मैं इसीलिए बारीकी से इंग्लिश भी साथ साथ में रखता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे आपके साउथ इंडिया में आप जॉब लगती है, NPCIL या फिर किसी बड़ी कंपनीज में, इसरो में, तो आप साउथ इंडियंस के साथ काम करें, वहाँ पे इंग्लिश टर्म्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी अगर आप थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे तो। ओके, चलिए। ईंधन की आग को रोकना, जो आग बुझाना होता है, जो ईंधन रहता है उसकी आग को रोकना रहता है। हवा को रोकना, जो वहाँ पर हवा आ रही है उसको रोकेंगे तब भी आग बुझ जाएगी। ठंडा करना, उस पर्टिकुलर चीज़ को ठंडा करते हैं, जैसे पानी फेंक के ठंडा करते हैं। ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, इनमें से किसी एक को अलग कर दिया जाए
तो आग बुझ जाती है। मतलब इसमें कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन है या हीट है या फ्यूल, इनमें से किसी एक को आप अलग कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे आग बुझती है। और यहाँ जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं, ईंधन, ईंधन की आग को रोकना, हवा को रोकना, ठंडा करना, इन तीनों टर्म्स को मैं बारीकी से भी बताने वाला हूँ दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हमारा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है, जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आप कहीं मॉल में देखते होंगे या फिर ऑफिसेज में देखते होंगे, ये हर एक जगह लगा होता है दोस्तों। आपको लगता होगा कि एक ही है, लेकिन इसमें काफ़ी तरह की होती हैं, क्योंकि आग भी काफ़ी अलग अलग किस्म की होती हैं। मैं आपको उनके बारे में बारीकी से बताऊँगा। जैसे मुख्य रूप से आग हमारी चार तरह की होती हैं, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। आप कहोगे साहब ये तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो नौकरी में होता, आग में कैसे आ गया? दोस्तों आग में इसलिए आ गया क्योंकि आग जो है अलग अलग कंडीशंस में लगती हैं। कभी आग हमारी पेपर में लगी होती है, कभी आग हमारी लकड़ी में लगी होती है, कभी आग हमारी क्या होता है कि तेल के थ्रू लगी है, ऑयल जो होते हैं बर्न कर रहे, किरोसिन ऑयल में आग लग गई, उसके टैंकर्स रखे हुए हैं। कभी दोस्तों ये होता है कि मेटल रखे हुए हैं वहाँ पर आग लग गई, तो उन कंडीशन में। और कभी आप देखते हैं एलपीजी जो हमारे यहाँ घरों में गैस यूज़ होती है, उसमें आग लग गई, तो उनको कैसे बुझाएंगे और उनको अलग अलग कैटेगरी में कैसे रखा गया? और ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ पर आप पानी ही डालेंगे। जैसे कि आप कहोगे कि लिक्विड फॉर्म में घी है, मैं आग पे घी डालूंगा तो और डबल हो जाएगी। इसलिए हम टेक्नीशियन हैं और इंडस्ट्री में काम करना, तो हमें ये पता होना चाहिए किस, क्योंकि अभी मैं बताया चार तरह की आग होती हैं, तो हम पहले हम आग को जानेंगे तभी तो बुझाने का काम कर पाएंगे। इसलिए मैं डिटेल में आग को समझा रहा हूँ। चलिए दोस्तों बारीकी समझाता हूँ। फायर ट्रायंगल टाइप ऑफ, उसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको फायर ट्रायंगल यूज बताऊंगा। फायर ट्रायंगल एक्चुअली होता है क्या, आप देखिए फायर ट्रायंगल बच्चों ये होता है, आग है, आग कब अपने उसमें आती है, एग्जिस्टेंस में आती है, जब उसे ऑक्सीजन मिल रहा हो वहाँ पे, गर्मी हो और ईंधन हो, ईंधन होगा वहाँ पे गर्मी ही रहेगी और ऑक्सीजन मिल रहा होगा तो वहाँ पे आग लग जाएगी। अगर किसी एक एलिमेंट को, चाहे तो आप इसमें से किसी एक एलिमेंट, चाहे तो आप ऑक्सीजन को वहाँ से हटा दीजिए, अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि क्या करते हैं कि रेत की बाल्टियाँ होती हैं, अगर आग ले तो रेत फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है सरफेस पे रेत आ जाता है, जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है तो आग बुझ जाती है। या तो फिर जो लकड़ी रहती है, जो जल लकड़ी या कुछ भी है, उसे हटा दो आप तब भी आग बुझ जाएगी। या तो फिर यहाँ पे लकड़ी वगैरह हटा दो तो आग बुझ जाएगी। या तो फिर गर्मी, जहाँ से हीट हो रहा था उसे पानी डालो जिससे कि उसकी गर्माहट कम हो जाए तो आग बुझ जाएगी। ये तीन तरह होते हैं, एक तो ऑक्सीजन हटा देना होता है, दूसरा ईंधन को ही हटा दो वहाँ से आग का काम खत्म हो जाएगा, या तो फिर गर्मी जिसकी वजह से हीट हो रही है पानी डाल दीजिए आप आग बुझ जाएगी। आइए दोस्तों जो आग के मैं चार प्रकार बताया था उनको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। पहली क्लास ए फायर, क्लास ए फायर किस किनको रखा गया क्लास ए में, जो आग होती है लकड़ी के द्वारा, कागज के द्वारा और कपड़ा के द्वारा, इनको क्लास ए में रखा गया। जैसे लकड़ियाँ हैं, पेपर्स हैं, इनमें आग लगी हुई है तो इसे इन्हें हम क्लास ए में रखते हैं, और कपड़े वगैरह हो गए तो क्लास ए कैटेगरी में होते हैं। इनके लिए जो बुझाने वाला एग्जिस्टिंग्विशर अग्निशामक होता है, अलग अलग यूज़ होते हैं, उनमें अलग अलग चीज़ें होती है। इसमें पानी डालोगे तो बुझ जाएगा, इसमें पानी डालोगे आप, यहाँ पे पानी की स्प्रे करेंगे तो जो क्लास ए की आग होती है पानी से बुझ जाती है। अमूमन हम लोग अपने आसपास क्लास ए की देखते हैं, जैसे डोमेस्टिक, जैसे घरों में रहते हैं या फिर आप किसी मोहल्ले में रहते हैं तो क्लास ए की आग होती है, इसलिए लोग पानी लेके जाते हैं और पानी डालते हैं, आग बुझ जाती है। दोस्तों क्लास बी ये मोस्टली इंडस्ट्रीज वगैरह में लगती हैं, ये तेल संबंधित होती हैं, जैसे कि तेल के टैंकर्स हैं, कहीं लीक आउट हो जाते हैं उसमें आग लगती है, तो क्लास बी। और इसको बुझाने के लिए जो संयंत्र होता है अलग होता है, एक्सटिंग्विशर अग्निशामक, उसमें जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो अलग किस्म के होते हैं, CO2 यूज़ होता है। जैसे कि आगे अब मैं डिटेल में जब अग्निशामक को पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल बताऊंगा, बस आप जानिए क्लास बी में जो आग होती है वो ग्रीस या तेल से होती है, उन्हें क्लास बी बोलते हैं। दोस्तों क्लास सी आ गया, क्लास सी फायर जो होता है गैस या द्रवित गैस, जो हम LPG हमारे घरों में यूज़ होती है, अगर गैसों में ऐसी आग आती है तो उन्हें हम क्लास सी में रखते हैं LPG सिलेंडर वगैरह के थ्रू, उनको बुझाने का संयंत्र अलग आता है। जो अग्निशामक होता है उनमें जो मटेरियल यूज़ होते हैं या गैसेज यूज़ होते हैं या कंपोनेंट यूज़ होता है बुझाने के लिए, वो अलग होते हैं, मैं उनको डिटेल में बताऊँगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में, हम अग्निशामक डिस्कस करेंगे वहाँ पर। लेकिन क्लास सी फायर जो होती है LPG की गैसों को में रखा गया है। क्लास डी फायर ए धातु और विद्युत उपकरण, जैसे हम इलेक्ट्रीशियन हैं, इलेक्ट्रीशियन जैसे कि देखते होंगे जैसे ट्रांसफार्मर में आग लग गया हो या फिर कोई मेटल कंपनी है, कभी लोहे में भी आग लग जाती है, इतनी गर्माहट होती है,
जैसे आप देखते होंगे ट्रेन वगैरह में आग लगती है, सारा ट्रेन ही पूरा पिघल के गिर जाती है, ट्रक वगैरह में उसमें लोहे भी पिघल जाते हैं आग में, कि तो धातु में भी आग लगती है। ट्रांसफार्मर में तो आप देखते ही होंगे अमूमन देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल विद्युत में कुछ इस प्रकार से आग होती है, बहुत डेंजरस होती है। इसको बुझाने के लिए अलग केमिकल कंपोजिशन यूज़ होते हैं। क्लास ए क्लास बी क्लास सी में, मतलब कुल मिला के इनमें कैटेगराइज करने से फ़ायदा क्या होगा, जब आप कॉल करते हो फायर ब्रिगेड को तो उनको बता दोगे कि कहाँ पे किस कंडीशन में आग लगी है, लकड़ी के थ्रू लगी है तो पानी वाला टैंक लेके आते हैं। क्लास बी में कह दोगे कि ऑयल ऑयल है वहाँ पे आग लगी तो उसके लिए कुछ दूसरा वो लेके आते हैं सिस्टम, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अगर गैस के लिए तो अपने तैयारी दूसरी करके आते हैं गैस से बचने के लिए, अगर धातु में तो उनकी तैयारी और अलग होगी। तो इसे क्या फ़ायदा होता है, ये हमारा एक जो है ना अगर आग को चार भाग में बांट दिए तो इसे काबू करने में फ़ायदा होता है, पता चला कि लोहे वाली लगी हम पानी लेके पहुंच गए तो कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगी, इसीलिए क्लास आग को चार भाग में हमें बांटना पड़ा। जो आग है जिस अनियंत्रित होने पे हमें बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आग को कैसे बुझाएंगे, अग्निशामक को मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।